गुरुदेव वहां से नहीं प्रबंध महाराज से पूछा गया, गुरुदेव कई दिनों से मैं देख रहा हूं यहां सत्संग होता है, शुरू होता है, एक कौवा को भी आकर बैठ जाते हैं, जब सत्संग की समाप्ति होती है फिर रूप कभी चला जाता है। गुरुदेव वास्तव में कौन है, कृपया बताने की कृपा करें। तो वहां से बहुत यही प्रबंध महाराज कहा, देखो जी सत्संग में देवी देवता भी आते हैं, लिखते हैं एक बार त्रेता युग शंभ गए कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिल स्वर जानी। एक बार त्रेता युग में उमर ऋषि के आश्रम में भगवान शंकर और सती महारानी सत्संग सुनने के लिए आते हैं। सत्संग को सुनने के लिए भगवान शंकर और सती महारानी जाते सभी देवी देवता आते हैं सत्संग में। ये सत्संग की कितनी महिमा है, सत्संग की बड़ी महिमा है। आप स्वर्ग अपवर्ग सुख धरि तुलाय गंग उन्नता ही सकल मिटी जो सुतलब सतत। सत्संग की बड़ी महिमा है, बहुत देर से सत्संग सुन रहे थे और सत्संग सुनते सुनते आप लोग थक गए, अब भूख भी लगी है, इसलिए मैं चाहता हूं एक मिनट गुरु नाम संकीर्तन करें ताकि आलस नींद समाप्त हो जाए। जय जय राम जय जय राम जय जय राम गौ जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम गौ जय जय राम की जय की जय
भी सब संग करते थे, जितने भी संत हुए हैं सब सत्संग करते थे, भगवान श्री राम भी सत्संग करते थे, और भगवान श्री राम जो सत्संग करते थे आप लोग ग्रंथ पाठ भी सुनते रहते हैं, सुनते हैं ग्रंथ की उपाधिता यहां बताया गया है। तो भगवान श्री राम ने एक बार सभा लगाई और उस सभा में भगवान श्री राम ने पूजन सभी लोगों को बुलाया, भगवान राम ने क्या उपदेश किया, बड़े भाग मानुष्टम भाव है, बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है, और ये दिग्र भी लिखा है बड़े भाग पाइए सत्संग का, तो बड़े भाग से सत्संग भी मिलता है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिलता है कि बड़े भाग से सत्संग मिलता है, बताइए क्या मिलता है? देखिए मनुष्य का शरीर तो बहुत रूप मिला हुआ है, लेकिन मनुष्य का शरीर पाकर के लिए सत्संग नहीं सुनते हैं, विचार चोरी का साधन सब लगे हुए हैं, जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, सत्संग नहीं जाते, मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। एक बार भगवान विष्णु और देवों से नारायण जा रहे, भगवान विष्णु ने श्री नारायण बाबा ने पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, क्या बताओ गुरु, एक बात मुझे बताइए कि परमात्मा जब जीव पर कृपा करता है तो सबसे पहले क्या देता है? आप प्रसन्न हो जाते हैं भगवान तो सबसे पहले आप क्या देते हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा कि नारद जब अपने वक्त से पहली बात में प्रसन्न होता हूं तो उसको उसका शरीर देता हूं। नारद को आप पूछते हैं प्रभु दूसरे बार प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? भगवान विष्णु ने कहा हे नारद जब दूसरे बार भी भक्त से प्रसन्न हो जाता हो तो उसको सत्संग दे देता हूं। तो नारद को भी पूछते हैं प्रभु तीसरे बार भी प्रसन्न होते हो क्या? बोला तीसरे बार भी प्रसन्न होता, तो तीसरे बार प्रसन्न होते हैं तो क्या देते हैं? भगवान विष्णु ने कहा हे नारद जब अपने भक्त से तीसरी बार भी प्रसन्न हो जाता हो तो भक्त का हाथ पकड़ लेता हो और शुद्ध शत्रु के हाथ में डाल देता हूं। इतनी कृपा सत्संग की बड़ी महिमा है, हमारे गुरु हमारा सत्संग करते थे, ठीक है। रोटा जिला में परम गुरु जी गए थे, तो रोटा जिला में स्टेशन में बैठे थे गुरु महाराज, प्लेटफॉर्म पर बैठे थे, कुछ सज्जन आए आप गुरु महाराज से पूछे कि रोते हो आप कहां जा रहे हैं? मैं सत्संग करने जा रहा हूं। हमारे पुत्र कहा मैं तुम्हें समझता हूं कि तुम क्या चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत कुछ चाहते हैं, चाहना का कोई अंत है? तुम हमारे कहा समेट के कहो, समेट के बताओ तुम क्या चाहते हो, तो कुछ नहीं बोला। तो गुरु महाराज कहते हैं आप धर्मा होकर के संसार में रहना चाहते हो कि घर ही होकर के रहना चाहते हो? कहा गुरुदेव कौन रहेगा, दरबार होकर जाना चाहते आप तो सत्संग करना पड़ेगा। फिर गुरु महाराज ने पूछा तुम सुबुद्धि चाहते हो तो बुद्धि चाहते हो? बोलते सुबुद्धि चाहते तो सत्संग करना पड़ेगा। फिर गुरु महाराज ने पूछा तुम अपना सदगति चाहते हो तो गति चाहते हो? सदगति कौन चाहेगा, सदगति चाहते हो सत्संग करना पड़ेगा। तुम अपना भाई चाहते हो बुराई चाहते हो? अपना भाई चाहते हैं करना पड़ेगा। गुरु महाराज से बहुत लोगों ने बहुत तरह का सवाल किया, एक व्यक्ति ने कहा तुम्हें सत्संग से क्या मिलेगा, सत्संग से कुछ मिलता नहीं है,
गुरु महाराज ने कहा सुनो जी सत्संग से क्या नहीं मिलता है, सत्संग करने से आत्मा पुण्यात्मा हो जाता है, पुण्यात्मा धर्मात्मा हो जाता है, धर्मात्मा महात्मा हो जाता है और महात्मा परमात्मा हो जाता है। आप करते हो सत्संग से क्या होता है, सत्संग से सब कुछ मिल जाता है, मति की रति रति भूति भलाई जब जन जनाते पाई असो जानू सत्संग प्रभाऊ। देखिए भगवान बुद्ध की ज्ञान भूमि है, तपो भूमि है, और भगवान बुद्ध ने ईश्वर बोध गया में ईगो दृष्टि के नीचे समाधि लगे और यही ज्ञान की भक्ति हुई, निर्वाण हुआ भगवान बुद्ध। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान हो गया राजा के बेटे थे ना, धन दौलत की कमी नहीं, मान प्रतिष्ठा की कमी नहीं, सब कुछ है, लेकिन जीवन में परमात्मा से मिलने की ग्रह, परमात्मा से मिलने की ग्रह सबको नहीं होती, किसी किसी को होती है, जो बड़ा भाग्यशाली होता है। सत्य साहब कहते हैं सुखी और सब संसार है कबीर है जागे और रोए, सुखिया सब संसार है आगे और सो गए, आते हैं लोग सोते हैं, लेकिन दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। जो भगवान का भक्त होते हैं, जो परमात्मा के निधि होते हैं, उनको नींद नहीं आती, उनको भूख नहीं लगती है, भूख न लगे नींद न आवे, रात को इंदिरा सभावे मीरा वही नहीं सोती थी। अरे राजपूताना परिवार की थी मीरा वही, और मीरा वही भगवान की मीरा में प्रभु की मीरा में सोती, रोते रोते जो सोती थी ना आंचल भी जाता सारी बात, भगवान खुद ही सोते थे लोगों का कि पूरा काम मीरा हो रहा था आंसू से। रवि साहब कहते हैं रविदास की भावना दूरश्य की संत अनचीना मरकर बना जब से भूख जल, ये योगी लोग होते हैं, अद्भुत लोग होते हैं, विधि लोग होते हैं, वो संसार से भागते रहते हैं, भगवान बुद्ध भागे जा रहे हैं, भगवान महावीर भागे जा रहे हैं, जगत गुरु शुक्राचार्य महाराज भागे जा रहे हैं, परमात्मा भागी है भागे जा रहे हैं। मेरा भाई क्या कहती है, हेरी भाई तो उभे मेरी वाणी मेरे दर्द में जाने को, घायल की कहती घायल जाने जो कोई घायल हो, हेरी भाई तो उभे मेरी वाणी मेरे दर्द में जाने को, सूली ऊपर से की आगी किसी की शोभन हो, हेरी भाई तो उभे मेरी वाणी मेरे दर्द में जाने को। सत्संग करे सत्संग से बड़ा लाभ होता है, ध्यान अभ्यास करे ध्यान कैसे करे कैसे स्थान करे, भगवान कृष्ण ने उद्धव से उद्धव ने भगवान कृष्ण से पूछा है कि साधक को ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान कहते हैं नदी तीरे नदी के तट पर ध्यान करो, गंगा जी के पास होता है देव दृष्टि नीचे करो, पर्वत के आगे में करो, किसी देवालय में करो, किसी शस्त्र मंदिर में करो, अथवा घर में करो, एकांत स्थान एकांत स्थान में बैठ करके ध्यान करो, कैसे बैठो तो सब आसन आसीन। अभी समता की बात हमारे परम श्रद्धे गोपाल बाबू सुना रहे, समता का मतलब होता है क्या, हमारा मन सब हो जाए, हमारे मन में कोई क्षमता नहीं लग जाए, जब समाधि लग जाती है तो क्षमता आ जाती है। और भगवान कृष्ण ने इसी को कहा सर्वोत्तम योग उच्चते समता को भगवान ने योग कहा, तो कैसे बनना चाहिए शरीर गर्दन और वस्त्र को शिकार करके बैठ रहे, कैसे
ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಚಲೇ ಲಗೇ
टीचर से घर नहीं चलने लगा और सरपंडा भी चलने लगा। माता जी बोलते हैं स्वामी जी नहीं को कमाए हो आप ही जा रहे हैं, प्रेम भक्ति लाने को जहाँ अपने भक्ति रहता है वहाँ धन भी रहता है और सफलता भी रहती है। और गुरु महाराज कहते हैं प्रेम भक्ति गुरु दीजिए प्रेम कर दोगी पर कुछ छोड़ कर छोड़िए असुनी गुरु होगी। प्रेम भक्ति मत है धर्म नहीं मत है धर्म मत है प्रेम मत है। हमारे गुरु महाराज जो जानते हैं ना ये वेदांत का ज्ञान है निचोड़ ज्ञान है ठोस ज्ञान है। देखिए जो सगुण को उपासक होते हैं क्या करते हैं भगवान से क्या करते हैं भगवान की पूजा करते हैं आरती उतारते हैं घंटी बजाते हैं और क्या बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे और भक्ति जनों के संकट छवे दूर करे और क्या करते हैं और आगे क्या करते हैं सुख संपत्ति संपत्ति घर आवे कष्ट में देता था ना सुख संपत्ति घर में आवे वापस मिल जाए हमारे लोग ऐसे करते हैं अरु तेरा परिवार अरु संपत्ति नहीं भाव है एक दो दिन इस संपत्ति को अच्छा न लगे अब तेरा परिवार के लोग ये होने अच्छा न लगे इतना अंतर है। मैं तो कहता हूँ कभी कभी कि देखिए आपको दिल में रहिएगा आप भगवान से मांगने का धर्म तो भगवान आपको धन दे देंगे भगवान से वरदान मांगिएगा भगवान वरदान भी दे देंगे। लेकिन आप भगवान से कितना मांगते रहिएगा भगवान से मांगते मांगते आपके मुंह में दर्द हो जाएगा आप भगवान को देते देते आपको दर्द हो जाएगा। लेकिन आप अगर सत्संग कीजिएगा तो आपकी इच्छा का समाप्ति हो जाएगी आपके मन में कोई कामना नहीं रहेगी। क्या अच्छा है भगवान से मांगते रहना अच्छा है कि सत्संग की इच्छा को समाप्त कर देना अच्छा चाह गई चिंता की अमरों अपने परवाह अगर आपको कुछ न चाहिए तो अगर सारा अपनी इच्छा को समाप्त करें। भगवान बुद्ध ने कहा संसार में दुख है दुख का कारण तृष्णा है तृष्णा को बांटने से सब दुख नाश हो जाता है। भक्ति वाली निरा भाई कहती है मेरे सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। हे प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारा दुख था शरीर में क्लेश था कष्ट था हमारे घर में गरीबी थी हमारे घर में शांति नहीं थी लेकिन जब से आपके शरण में आ गई तब से हमारा सब दुख कपूर हो गया कपूर हो जाता है ना अब दुख भी कपूर हो जाएगा। मानव का जीवन का भगवान बुद्ध ने राजपाट छोड़ करके ध्यान किया। देखिए जो ऋषि आया था भगवान बुद्ध का हस्त लेना देखा एक ही बेटा था एक ही बेटा हुआ और नाम क्या था भगवान बुद्ध का बाल नाम क्या था सिद्धा। जो ऋषि से अपना उसका हस्त लेना देखा है बोला महाराज आपका बेटा महा चक्रवर्ती होगा बहुत खुशी हुई फिर बोलते हैं कुछ देर के बाद या तो महायोगी भी होगा परिवार की दीवार को तोड़ करके संपूर्ण दुनिया को प्रकट कर पाएगा बहुत दुखी हो गया महाराज देखिए बेटा और यदि सन्यासी बन जाएगा तो हमारा धन तुरंत होगा क्या। जो जिसे पूछते हैं महाराज क्या दुनिया कोई उपाय नहीं है इसका मन गृहस्थी में लग जाए तो हाँ एक उपाय हो सकता है बोला क्या बोला इसका निवारण कर दीजिए विवाह अपनी खोपड़ा उसको बांट देती है इसका मन संसारी हो जाएगा वैसा ही किया गया। बड़ी ही सुंदरी नारी के साथ यशोदा जिसका नाम था विवाह हुआ एक संतान की प्राप्ति भी हुई जिसका नाम क्या था राहुल। दूसरा चीज बताया था जो जिसे इसको रंगीन दुनिया में रखेगा अरे उठाएगा और फूल देखेगा ना तो उसके मन गहरा क्या होगा किसी वृद्ध व्यक्ति को देखेगा तो गहरा क्या होगा किसी बुढ़ा रोगी को देखेगा तो गहरा क्या होगा इसको रंगीन दुनिया में रखेगा जहां वृद्ध सार जहां सदाभास का रोग रहता है जहां सार जहां पर सब आश्रय वृद्धि करती है अब उसे बदलता भी
और भाई बॉडी यूज ना किएगा बाहर नहीं कर पाए सारी व्यवस्था की उस रजत की प्राप्ति हुई बड़ी खुशियां हुई राजस्व दो लगो कि बनाया बंदरों की कमी नहीं है बहुत बड़ा सवारों आर्जन किया गया बड़े बड़े राजा महाराज आए मित्र बंधु बन आए करोड़ देवी देवता पूर्ण की वर्ता कराया तो आठ ग्राम से अपने आप पूर्ण हो गया